तो दोस्तों इस वीडियो में जो कॉलर कटिंग करेंगे कुर्ता का, इसमें कोई भी टूल्स हमने प्रयोग नहीं किया है और एक्यूरेट अच्छे तरीके से काट कर आप सभी को सिखाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको कटिंग करके सिलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है सीधा करेंगे, ठीक है, एक सीधा निशान खींचेंगे, ये इंची टेप को ही रखकर हमने सीधा निशान रख लिया क्योंकि इसमें कोई भी टूल्स हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो कॉलर है 15 इंच का है, ठीक है, और इसमें जो हम प्लस करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच। ओके, हर कलर में होता है, बट इसमें हम क्या करेंगे कि आधा इंच कम कर देंगे, हम 16 ही कटिंग करेंगे। अब 16 क्यों कटिंग करेंगे कि ये राउंड होता है ना 1 इंची का, तो लमर जाता है कुछ पार्ट, तो इसलिए हम इसमें देखिए किस तरीके से कटिंग करेंगे। हम ध्यान से देखिए, ये देखिए 8 इंची का हमने मार्का लगा दिया 16 का। ये मार्का लगाने के बाद इसको जो है यहाँ से 1 इंची हाइट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हाइट करके यहाँ से 1 इंची का एक मार्का लगाएंगे, 1 इंच का, ये देखिए 1 इंच का मार्का। अब यहाँ से 50-50 ये जो सीधा निशान लगा है, यहाँ से 8 है ना, तो 4 पे ये मार्का लगा देंगे और यहाँ से राउंड इस तरीके से डॉट डॉट करके आप राउंड दोगे ना, तो ये अच्छे तरीके से शेप राउंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है निशान लगा लेंगे और यहाँ से 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री का एक निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपको कॉलर जितना चौड़ा चाहिए उतना पे मार्का लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए हम 1/4 इंच पे मार्का लगा लेंगे, 1 इंच 2 सूत पे, और यहाँ से भी जो मार्का लगाएंगे वो लगाएंगे 1 इंच 2 सूत 1/4 इंच पे, यहाँ भी 1/4 इंच का और यहाँ भी 1/4 इंच का। अब इसको इस तरीके से उसी मार्का पे हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, ये देखिए। अब इसमें एक और बात बताते हैं, अगर आपको राउंड नहीं रखना है नोक को तो ऐसा ही कटिंग कर देंगे, अगर राउंड करना है तो इस तरीके से हल्का बिल्कुल 0 पॉइंट राउंड कर देंगे, परफेक्ट ये कॉलर हो चुका है। तो चलिए कटिंग करने का ट्रिक बता रहे हैं आप सभी को, ये देखिए यहाँ से सेम ऊपर से हल्का दाब के रखेंगे, कहीं कम बेस ना हो जाए और ये कटिंग हो गया। अब इसको इस तरीके से पलटे और नीचे से बराबर पकड़ के देखिए, ठीक है, बराबर पकड़ के जैसे मार्का है सेम उसी मार्का पे कैंची को उसी तरीके से राउंड घुमाकर सेम कटिंग कर ले, ये देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, आराम आराम से कटिंग करेंगे। ये देखिए इधर से एक कुटका लगा देंगे बीच सेंटर का, तो ये जो है ऑलरेडी कटिंग फाइनल हो चुका है, परफेक्ट। अब इसको हम पेस्टिंग करेंगे, तो पेस्टिंग करके आप सबको दिखाते हैं और इसको कॉलर लगाकर दिखाते हैं किस तरीके से लगेगा। ये देखिए फाइनली मैंने पेस्टिंग कर लिया, अब इसको लगाएंगे यानी कि स्टिच करके दिखाएंगे। तो ये जो मेरा कुर्ता का हालर है वो इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, जो हमने कुट का लगाया है सामने सामने, और इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे। ये जो हालर है ना, जो कुट का लगाया है जहाँ से हमने मेजरमेंट कर रहा हूँ, वहाँ से मात्र 2 सूत कम रहना चाहिए। अगर आप चाहो तो एक्यूरेट भी रख सकते हो, अगर उससे दिक्कत होता है। ये देखिए कुटका कैसे लगाए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये जो हम पेस्टिंग किए हैं, जो लास्ट मेरे पेस्टिंग है, वहाँ से कुटका लगा लिए दोनों साइड और ये बीच सेंटर का एक लगा लिए, ठीक है। ये देखिए चिपका कर हम नीचे से फोल्ड कर लिए हैं जिधर को राउंड किए हैं। अब इसको हम स्टिच या इसको जो है सिलाई करेंगे और नीचे से 2 सूत एक्स्ट्रा का पर रखकर हम कटिंग किए हुए हैं सेम उसी तरीके से। अब सिलाई करने का जो मेन फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ बताने वाले हैं आप सभी को, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट की हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे तरीके से सिलाई सीखने के लिए। ओके, और एक और भी आप सभी से बात करना चाहेंगे कि मेरा एक ब्लॉग का चैनल है RS फैशन ब्लॉग्स, उसे भी सपोर्ट करें। और ये देखिए जो कुटका है ना, कुटका पे मेन पॉइंट को रखेंगे कुटका के सामने और इस तरीके से सिलाई करेंगे। और देखिए इसको ऐसे पकड़ लेंगे ना, सेव कर लेंगे फैब्रिक को ज़्यादा, और ये बीच सेंटर को यहाँ पे एक नोचिस कुटका लगा लेते हैं। यहाँ पे आप कुटका लगा लें या दाग लगा लें चकमिट्टी का, और ये जो है बीच, ये देखिए यहाँ पर आना चाहिए सेंटर। अब इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये सिलाई करते समय या आपका कॉलर हो गया
या आपका स्लीप्स हो गया, बड़ी शांति से स्टिच करना चाहिए। देखिए इधर से भी हमने कुटका मिला दिया और दूसरे साइड को भी कुटका हमने मिला दिया। अब इसको उल्टा करके एक नाखून लगा देंगे, इस तरीके से बैठा देंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए। फोल्ड करने के बाद इसको ये देखिए जो पॉइंट है मेरा नोक है, ठीक है, कॉलर का, ये बिल्कुल ये जो मेरा पेस्टिंग है सेम एक्यूरेट रहना चाहिए फैशन पट्टी के सामने, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई हम स्टार्ट करेंगे और जिस तरीके से राउंड हमने कटिंग किया है सेम उसी तरीके से आराम आराम से हम इसको स्टिच करेंगे, घुमा घुमा कर सिलाई करेंगे गोल गोल और बैठा कर नीचे से, ठीक है। और कुछ इस तरीके से सिलाई करने के बाद नीचे को ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है डुप्लीकेट कपड़ा अंदर से, ठीक है, उसको जाति भी बोल सकते हैं, वो नहीं दिखना चाहिए सीधा में, इसलिए एक सूत हम एक्स्ट्रा नीचे को रख रहे हैं। ये देखिए एक सूत एक्स्ट्रा हम रख रहे हैं। अब ऊपर से सिलाई करते समय आप बुकरम पे सिलाई ना चला दें, बुकरम के नीचे नीचे सिलाई करें, वो भी आधा सूत के अंदर पे, बिल्कुल सटा के भी नहीं सिलाई चलाना है बुकरम पे, नहीं चढ़ाना है, नहीं बिल्कुल सटाना है, हल्का एक सूत या आधा सूत हटा कर सिलाई चलाना है। और देखिए इधर को भी सेम उसी तरीके से राउंड कर देंगे। तो दोनों साइड राउंड करने से पहले ये जो पॉइंट है मेरा ना नो बटन पट्टी काज पट्टी सेम उसी के बराबर मेरा आना चाहिए कॉलर का पेस्टिंग, और इस तरीके से राउंड हम सिलाई कर देंगे। नीचे का अस्तर मेरा नहीं दिखना चाहिए, वो अंदर छुप जाना चाहिए। अब इसको सिलाई कर दिए ना, अब इसको हम आपको दिखाते हैं, समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, देख रहे ना, एक सूत मेरा ये एक्स्ट्रा है। अब इसको चारों तरफ से दो सूत कापड़ा छोड़ के इसको चारों तरफ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए कटिंग करने के बाद किस तरीके से दिख रहा है। अब इसको सीधा कर ले, ठीक है। सीधा करने के बाद जो सिलने का तरीका है उस तरीके को समझिए, नहीं तो आपका चारों तरफ फुचरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये देखिए इस फुचरा को आप अंदर को डाल दें, अंदर आप हाथ से डालेंगे तो अच्छे तरीके से फिनिशिंग नहीं होगा। आप कैंची के पॉइंट से डाल सकते हैं, आप छोटा वाला जो स्क्रू ड्राइवर है उससे भी डाल सकते हैं, नीडल से भी डाल सकते हैं ये जो फोचरा है अंदर को, ठीक है, और कटर से भी डाल सकते हैं। आपको जो पसंद हो उससे फोचरा को अंदर डाल के इस तरीके से सिलाई करें, और ऊपर को जिस तरीके से राउंड राउंड जैसे जैसे कॉलर कटिंग है सेम उसी तरीके से घुमा घुमा कर लपका सिलाई लगाएंगे ऊपर कॉलर को, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप देख सकते हो, सेम इसी तरीके से स्टिच चारों तरफ घुमा के कर लेना है। ये सिलाई आपको ये जो राउंड है वहाँ तक करेंगे। ये देखिए हमने क्या किया कि वहाँ तक इस तरीके से राउंड ऑलरेडी कर लिया। अब ये जो यहाँ का फुचरा है उसको भी अंदर की तरफ पहले डालेंगे। ये देखिए नीडल से फुचरा नहीं दिखना चाहिए दोस्त, ठीक है, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, बिल्कुल बेकार लगेगा, भद्दा सा। तो फुचरा पर ध्यान दें, अंदर चल गया। अब इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करके आप क्या करना है कि इसको बैठा बैठा के स्टिच सिलाई कर लेना है, बस परफेक्ट हो गया और कोई बात नहीं है। देखिए बस उधर को पॉइंट बन गया दूसरे साइड का और इधर को भी पॉइंट बन गया। अब ये देखिए अब इसको ऐसे बैठाएंगे, बैठा बैठा कर सिलाई कर दें, और जो अंदर से सिलाई हुआ है बाय द वे अगर हल्का दिखे तो उसको छुपा लेना है, दिखने नहीं देना है सीधा में, और इस तरीके से सिलाई लगा देना है पूरा। ये सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से आपको कुर्ता दिखेगा, कॉलर दिखेगा, देख सकते हो कुर्ता का कॉलर इस तरीके से दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। और आप ऑनलाइन सिलाई सीखना चाहते हो घर बैठे, शौक है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, और आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप सभी को बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा स्टिच होने के बाद, इसको अच्छे तरीके से हम सरिया कर दिखाते हैं कैसा ये दिखेगा आपका कॉलर। ये देखिए परफेक्ट सेम यही है। तो आप तो जान गए कि किस तरीके से कटिंग करना है और किस तरीके से स्टिच करना है। और आपको सेम जेंट्स टेलर, लेडीज टेलर या कोटमैन बनना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑनलाइन क्लास करके आप सीख सकते हैं।